हेलो जी, नमस्कार आप सभी को। तो आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आ चुका हूँ जो कि है दाल तड़के की। ठीक है, तो आज की रेसिपी ना तो रेस्टोरेंट से रिलेटेड है ना ही ढाबे से रिलेटेड है। हमारे घर में जो दाल तड़के की रेसिपी जिस तरह से बनाई जाती है उसी तरह से मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारे घर में दाल तड़के की रेसिपी बनती है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इसमें काम करना होता नहीं है और खाने में तो मत पूछिए, खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आपको दाल तड़के की रेसिपी बनाना है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए आपको चाहिए दो दाल। ठीक है, पहला चाहिए आपको मूंग दाल और दूसरा चाहिए चना दाल। तो चना दाल मैंने 200 ग्राम लिया हुआ है और मूंग दाल 50 ग्राम लिया हुआ है। ठीक है, 1/3 आपको लेना है। अब दोनों दालों को क्या करेंगे कि एक बड़े से बर्तन में दोनों दालों को डालेंगे और दालों को डालने के बाद क्या करेंगे कि उसे 2-3 पानी से अच्छे से धोएंगे। ठीक है, देखिए अभी आपको पानी अभी सफ़ेद दिख रहा होगा, अभी ये पानी जब धोते धोते जब सफ़ेद से पूरा साफ हो जाए तब समझिए कि आपकी दाल हो चुकी है। ठीक है, और हमने लिया है राजमा, ये मैंने रात में भीगने के लिए छोड़ दिया था और मैंने ऐसे अच्छे से धो भी लिया है। अब हमें लेना है कुकर, कुकर में मैंने दाल को डाल दिया है, राजमा भी मैंने डाल दिया। अब इसमें डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसाले में ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, ज़्यादा देख लीजिए मैंने क्या क्या लिया है। 3 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी। ठीक है, और 1 तेज़पत्ता भी लेना। मसालों को खोल दीजिएगा या फिर तोड़ के डालिएगा तो उसका अलग ही स्वाद आता है। ऐसा नहीं है कि आप खड़े मसाले डाल दिए और आपको स्वाद प्रॉपर पूरा मिल गया। अगर आप कूट के डालेंगे तो उसका अलग स्वाद मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखिए आप। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक। नमक अभी आपको आधा ही डालना है, अभी पूरा नमक नहीं डालना है। ठीक है, और मैंने तेज़पत्ता पहले ही बोला था, वो मैंने अभी डाल दिया। और डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच हल्दी। अब डालेंगे पानी, पानी 1/2 लीटर से ज़्यादा डालिए थोड़ा सा। अब क्या करना है कि थोड़ा सा हम इसको मिलाएंगे और ढक्कन बंद करेंगे और मीडियम फ्लेम में इसे कम से कम 3 से 4 सीटी के लिए छोड़ देंगे। अब देख लेते हैं तड़के की तैयारी किस तरह से करना है। ठीक है, तो तड़के की तैयारी के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। तो लहसुन 1 पूरी लेना है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेना है, 3-4 आपको हरी मिर्च लेनी है और 3 प्याज लेना है। मैंने प्याज छोटे छोटे लिए हुए हैं और 1 टमाटर। अगर टमाटर आपके पास छोटा छोटा है तो 2 चलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सबको अच्छे से चॉप कर लेंगे, छोटे छोटे काटेंगे, बड़े बड़े नहीं काटेंगे। प्याज को ध्यान रखना है कि प्याज को छोटे छोटे ही काटना है। दाल अब हो चुकी है, अब दाल को क्या करेंगे कि हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए हमने निकाल लिया है, आपको भी निकाल लेना है ना। और दाल को एक बार चेक कर लेना है कि दाल पूरी तरह से पक चुकी है या नहीं, तो बस 1 चम्मच से निकालना है और उसको दबाकर थोड़ा सा देख लेना है। देखिए मैं भी इस तरह से दबाकर देख ले रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से एक बार देख लेना है। ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाए कि दाल कितनी पकी है कितनी बाकी है। और मैंने सबको चॉप कर लिया है ना, आपको भी कर लेना है। और अदरक को बारीक चॉप करना है, नहीं तो वो फिर मुँह में आएगा। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल ही मैंने डाला है क्योंकि हमारे यहाँ सरसों के ही तेल में बनाया जाता है। तो आप अगर सरसों के तेल की जगह में अगर घी यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तेल को पहले जला लेंगे हम, उसके बाद फिर पहले अदरक डालेंगे। अदरक जब जल जाए उसके बाद फिर डालना है लहसुन और फिर मिर्चा डालेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे, है ना। भूनने से क्या होगा कि इनका सौंधापन थोड़ा सा बाहर निकलेगा। उसके बाद फिर डालेंगे प्याज को। प्याज को यहाँ अच्छे से हम भूनेंगे, उसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छी तरह से उसकी भुनाई करनी है, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और जल्दी जल्दी में प्याज को जलाना नहीं है, इसको आराम आराम से मीडियम फ्लेम में अच्छे से भूनना है। और अब यहाँ डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 से 1.5 चम्मच तक कश्मीरी मिर्च, है ना, उससे कलर अच्छा आएगा। और थोड़ा सा आप इसको भून लेंगे। और जिनको खाने में हींग पसंद हो तो अभी ही थोड़ा सा डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच। और अगर नहीं डालना है तो मत डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये थोड़ा सा मखाना डालेंगे हम और थोड़ा सा मखाने को भून लेंगे, है ना। अब यहाँ डालेंगे टमाटर और टमाटर की भुनाई कम से कम 5 से 6 मिनट तक करनी है, आपको भी करनी है, हम भी कर ले रहे हैं। तब तक भूनना है जब तक कि तेल अलग ना दिखने लगे। तो भुनाई हो चुकी है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे कि दाल को इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर मसालों के साथ इसे पकने देंगे, है ना, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट। अब आपकी दाल पूरी तरह से तैयार है, आप इसको जिसके साथ खाना चाहते हैं आप खा सकते हैं। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट करके बताइए, आपके लिए वो भी रेसिपी हम ज़रूर लाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन एक बार इसे बना कर ज़रूर खाइएगा, है ना। ये हमारी घर की रेसिपी है, घर में ज़रूर बननी चाहिए, है ना।
तो एक बार जरूर ट्राई करना तो बनता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी देख लेते हैं प्लेटिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।